1.23 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है असलम और अकरम ने 27,000 और 30,000 रुपये बिजनेस में लगाए, एक बिजनेस शुरू किया उन्होंने, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि उनको प्रॉफिट हो गया, माशाअल्लाह। अब प्रॉफिट क्या करना है, उनको डिवाइड करना है, ठीक है। तो बेटा जिस तरह हमने किया था ना, पेंसिल खत्म हो गया मेरी, जिस तरह हमने किया था चलें शुरू करते हैं। इससे आगे वाली एक्सरसाइज मैंने वैसे अपलोड पहले कर दी है, वो आप देख लें। तो असलम एंड अकरम रेशो, सबसे पहले बेटा आपने हर सवाल में रेशो निकालना है। तो ये 27,000 है, रेशो दूसरे का है 30,000, 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 27 रह गए, ये 30 रह गया, 3 9 हज़ार, 3 10 हज़ार, आगे नहीं सिंप्लीफाई हो सकता। सबसे पहले आपने ऐसे क्या करना है, इनका रेशो निकाल लिया करना है, उसके बाद सम निकालना है, सम ऑफ रेशो, इनको सम कर लेंगे तो ये आ गया 19। अब इनका जो प्रॉफिट है वो लिखें कितना है, 66,500, ठीक है। पहले असलम है तो यहाँ असलम लिखेंगे, असलम प्रॉफिट, असलम को प्रॉफिट क्या मिलेगा, असलम के लिए पहली वैल्यू थी तो उसका 9 आया था, बटा टोटल जो आया है मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट है, फिर सुने, जो असलम का रेशो है वो लिखेंगे, बटा सम ऑफ रेशो लिखेंगे, मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट डिवाइड करना है हमने। तो अब इसको डिवाइड करके देख लें पूरा होता है कि नहीं, 19 के साथ, ठीक है। तो 19 3,000 पहले करेंगे तो ये आ जाएगा 57, तो ये आ गया 9, इधर से 5 उतारें तो उसके बाद 19 5,000, सिंपल कैलकुलेटर आपने ले लेना छोटे वाला, अब ये ऊपर चला जाएगा 2 0 जो, ठीक है, छोटा कैलकुलेटर ले लें आप लोग। अभी ऊपर 9 है, मल्टीप्लाई ये आ गया हमारा 3500, 0 ऊपर चले जाएंगे ना, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 31,500, ठीक है। ये बेटा आ गया असलम का प्रॉफिट। उसके बाद दूसरा है अकरम, अकरम्स, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अकरम्स शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है, वो लिख लो, ये लिख लो, बात दोनों की एक ही है। अब अकरम का हिस्सा देखें, दूसरी वैल्यू अकरम कितना, पहली असलम की थी और दूसरी अकरम की थी, उसका क्या आया था 10, बटा टोटल क्या था 19, मल्टीप्लाई प्रॉफिट वही लिखना है जो दोनों का है, 66,500। तो ये 10 मल्टीप्लाई ये क्या आया था, वही आएगा 3500, तो मल्टीप्लाई करेंगे 35,000 हो जाएगा, ठीक है बेटा। सेम सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, हर सवाल के अंदर पहले आपने उनका जो उन्होंने शेयर किया होगा ना रकम, वैल्यू जो पैसे दिए होंगे, उनको आपने ऐसे सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद उसका सम ले लेना है, जो प्रॉफिट और लॉस हो उसको ऐसे उनकी रेशो लेनी है, बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस, इस तरह निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माशाअल्लाह अमीना एंड मरियम। तो अमीना और मरियम ने बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की 30,000 और 40,000, बस ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। अब आमीना एंड मरियम इन्वेस्टमेंट, देखो जो पीछे लिखा था वो लिख लें या ये लिख लें, इन्वेस्टमेंट रेशियो,
यानी आमना और मरियम का इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है? पहले का है 30,000, दूसरे का है 40,000। 40 40 से कैंसिल, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 4। ये लो जी सिंपल आ गई रेशो। रेशो का सम लेंगे और दोनों का प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सम ऑफ रेशो क्या आएगा? 3 प्लस 4, तो ये आ गया 7। ठीक है, अब जो प्रॉफिट दिया वो लिख लें यहाँ पर। प्रॉफिट माशाल्लाह 8,400। लो जी पहले आमना है, तो आमना का पहले अमीना शेयर, शेयर का मतलब हिस्सा, इन प्रॉफिट प्रॉफिट में, आमना का शेयर प्रॉफिट में। अब आमना की देखे ना, पहली वैल्यू आमना की, उसका रेशियो की वैल्यू क्या आई थी? 3 बटा, सेम पिछले सवाल की तरह सम ऑफ रेशियो 7 है और प्रॉफिट कितना है? 8,400। तो ये 3 इसको काटेंगे इसके साथ, तो ये 1,200 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3,600 आ गए। उसके बाद दूसरी है मरियम, उसका शेयर निकालें। मरियम मरियम्स ऐसे भी लिख सकते हैं, शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में मरियम का शेयर। अब मरियम के लिए दूसरा था ना, यहाँ देखें आमिना एंड मरियम, आमना की ये वैल्यू थी, मरियम की ये, इसका सिंप्लीफाई होकर रेशो क्या आया था? 4 बटा सम ऑफ रेशो। ये पक्का कर लें, हर किसी में पैटर्न सेम है, मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट डिवाइड करना है। 8,400, तो 7 को इससे डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 2, ये 1,200 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 4,800 आ गए। ठीक है जी, सेम पैटर्न पे उनका जो इन्वेस्टमेंट था उनको कटिंग करके जो वैल्यू आई उसका सम लिया, पहली वैल्यू उसका प्रॉफिट था, पहली वैल्यू डिवाइडेड बाई उसका सम और मल्टीप्लाई जो भी प्रॉफिट है। इस तरह ये क्वेश्चन भी हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो पार्टनर हैं, उन्होंने 3,000 और 4, पहले ने 4,000 दूसरे ने 3,000, नई चीज़ क्या आई है? पहले ने 9 मंथ्स के लिए किया और दूसरे ने 7 मंथ के लिए, और बाद में प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टनर इन्वेस्टमेंट, पहले पार्टनर की इन्वेस्टमेंट, बेटा गौर से सुनिएगा, उसने कहा है जो पहला पार्टनर है उसने 9 महीने के लिए किया। अब इसका तरीका ये होता है कि जो उसकी हिस्सा है ना उसको उसके मंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 36,000। सेकंड, अब दूसरा जो है सेकंड पार्टनर को, माइनस का मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट। अब सेकंड के लिए उसने क्या बताया कि 3,000 है और यहाँ बताया कि उसने 7 मंथ के लिए किया है, तो 3,000 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, या 7 मल्टीप्लाई, एक ही बात है। 3 0 पहले लिख लें, 7 3 21। अब ये बिल्कुल जैसे पहले दो सवाल किए हैं, ये वैल्यूज आ गई हैं, इनका रेशियो निकाल लें। रेशियो इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में रेशियो, या जो इंग्लिश पहले लिखी थी वही मोल्ड करके लिख लें। 36,000 रेशो 21,000, 3 0 3 0 से कैंसिल, ये 36 आ गया, ये 21, 3 7 21, 3 1 3 2। ले जी ये सिंप्लीफाइड रेशो आ गया। रेशो जब आए थे तो इसका सम कर लेना, सम ऑफ रेशो। यहाँ से आगे जो सवाल चलना है वो सेम पिछले दो क्वेश्चन की तरह, नई चीज़ क्या आई? यहाँ उसने टाइम भी दे दिया कि पहले ने 9 मंथ के लिए किया तो उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे ने 7 मंथ के लिए किया उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे सेम है। अब ये उनकी वैल्यूज आ गई ना, इनको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, जो रेशियो आएगा उसका रेशियो का सम ले लेंगे और फिर उसी तरह जैसे हमने वो सवाल किए हैं इनके प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे। अब प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं कितना है, प्रॉफिट उनको हुआ है जी 11,590, 11,590। अब पहले पार्टनर का शेयर, फिर दूसरे का शेयर, फर्स्ट पार्टनर शेयर
शेयर इन प्रॉफिट, पहले पार्टनर का शेयर प्रॉफिट में। पहले पार्टनर के लिए देखें ये क्या वैल्यू आई हुई है, 12 बटा सम ऑफ रेशियो क्या है 19 मल्टीप्लाई 11 590, ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं आपस में, 11 590 डिवाइडेड बाय 19, तो इसको आप डिवाइड कर लें अगर कैलकुलेटर नहीं है तो, ये 610 आएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में तो ये आ जाएगा 7320। ठीक है, ये आ गया जी पहले पार्टनर का हिस्सा। ठीक है, अब सेकंड पार्टनर का, सेकंड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट, दूसरे का हिस्सा। अब दूसरे के लिए जो सिंप्लीफाई वैल्यू आई थी वो 7 थी बटा सम ऑफ रेशो 19 था मल्टीप्लाई जो हमने प्रॉफिट डिवाइड करने 11590 है, 7 इनको डिवाइड करने से 610 आया था, इनको मल्टीप्लाई करने तो ये 4270 आ गई। ठीक है, इस सवाल में नई चीज़ क्या थी, टाइम दिया था, टाइम को उनकी इन्वेस्टमेंट से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आगे उसी तरह सिंप्लीफिकेशन करनी है यानी कटिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद जो रेशियो आएगा उनको प्लस कर लेना है, पहले के लिए पहली वैल्यू बटा उसका सम मल्टीप्लाई प्रॉफिट, दूसरे के लिए दूसरे की वैल्यू डिवाइडेड बाय उसका जो सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई प्रॉफिट, इस तरह ये दोनों हल हो जाएंगी। आगे जो क्वेश्चन है तकरीबन सारे ऐसे ही हैं, कोशिश करें कि आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करें, पॉज का मतलब होता है रोक करें, रोक लें, स्टॉप कर लें और फिर उसको अगले सवाल आप खुद ट्राई करें, मैं कर देता हूँ लेकिन आप पहले आपने खुद ट्राई करना है, अगर नहीं होंगे तो फिर आपने देखना है। ठीक है बच्चों, अच्छे बच्चों की तरह खुद हल करें, आगे नहीं हो तो फिर देख लें आके यहाँ से दोबारा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, साद सऊद एंड सईद, माशाल्लाह क्या नाम है, साद सऊद एंड सईद, वाह हबीबी हया हया, ये उनकी वैल्यूज हैं 12,000, 1,800 and 24,000 है। कहता है उनको नुकसान हो गया, वाह बड़े मिलते जुलते ना रखे, नुकसान करा ले ना, तो यहाँ लिखेंगे जी रेशो इन साद सऊद और साइद इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले उनका रेशो ले लेते हैं, तो रेशो क्या है जी 12,000 रेशो 18,000 रेशो 24,000, तीनों के 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 12, ये 18 और ये 24, 3 के टेबल से काटें तीनों को, 3 4 12, 3 6 18, 3 8 24, फिर 6 2 के साथ 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, आगे नहीं कैंसिल होते हैं। लें जी ये उनका रेशो आ गया, अब आगे हमें पता है सम ऑफ रेशो करना होता है, सम ऑफ रेशो 2 + 3 + अगर एक सवाल बेटा अच्छे से समझ आ जाए ना बाकी खुद किए जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, बस ये जब रेशो आ जाए ना आगे समझें सवाल तो मक्खन मलाई खोया सारा कुछ। अब लॉस है इस सवाल में तो 13,500, उसी तरह जैसे प्रॉफिट वैसे लॉस करेंगे। अब सबसे पहले साद है ना, तो साद का आएगा वैल्यू, साद सफर लॉस, सफर लॉस का मतलब है उसको जो नुकसान हुआ है, तो साद के लिए रेशो 2 है बटा सम ऑफ रेशो 9 है और जो नुकसान है वो है 13,500, इनको डिवाइड कर लें, 13,500 को डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो ये 1500 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000, लो जी साज साहब नो 3000 का चूना लग गया है। उसके बाद दूसरा है सऊद, सऊद सऊद सफ़र लॉस, सऊद साहब नो कितना लॉस मिलेगा, उसका रेशो है 3 बटा सम ऑफ रेशो है 9 मल्टीप्लाई जो लॉस है
13,500, 3 मल्टीप्लाई इनको डिवाइड किया तो ये हमारा 1500 पहले आया हुआ, 15 3s are 45 और 20 वैसे लिख देंगे तो इस तरह ये आ गया 4500। उसके बाद तीसरा है जी सईद, सईद सफर लॉस। चलें जी, एक क्रिकेटर का नाम सईद है, पूरा नाम लिखें अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं कमेंट में कि उसका नाम क्या है सईद, आगे क्या आता है। अब सईद के लिए हमने तीसरा नाम सईद लिखा था, उसकी वैल्यू तीसरी है तो उसका सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आया था 4। सम ऑफ रेशियो सब में सेम लिख रहे हैं हम 9, और लॉस भी सम में सेम ही लिख रहे हैं 13500। तो इनको डिवाइड करें तो 15 ये 60 तो ये 6000। लो जी, सबसे ज़्यादा सईद साहब को नुकसान हुआ है, उससे कम साउद और फिर सईद, ठीक है, सईद आइन वाला साथ साउद और सईद की इन्वेस्टमेंट का रेशो, बेटा बस रेशो निकल जाए ना समझे सवाल हल हो गया। तो इनके 3 3 0 पहले कैंसिल हुए, फिर डायरेक्ट काट रहे हैं तो 6 की कटिंग हो जाती है, मैंने पहले 3 से किया और फिर 2 से किया, इस तरह ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, रेशो आ गया, रेशो का सम ले लिया, फिर लॉस है साउथ के लिए पहली वैल्यू बटा उसका सम मल्टीप्लाई जो लॉस होगा, साउथ के लिए जो वैल्यू है वो सेंटर वाली है बटा सम ऑफ रेशो 9 मल्टीप्लाई लॉस, इस तरह ये तीनों वैल्यूज हमने निकोल ली। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अकरम और असगर ने बिजनेस स्टार्ट किया 9000-11000 से, लेकिन कह रहा है कि अकरम ने क्या किया है 6 महीने बाद जो है ना 1000 रुपया निकाल दिए, वाह जी वाह क्या बात है, और आफ्टर 2 मंथ ऑफ उसके जो 2 महीने बाद ना असगर ने 1000 रुपया और लगा लिया और फिर उनको प्रॉफिट भी हो गया 14000, तो उनको प्रॉफिट में हिस्सा निकालें। बेटा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना, तो ये मंथ्स को पहले डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई करना है उनकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, उसके बाद जो है ना वो प्रॉफिट डिवाइड होगा, सही है। तो सबसे पहले हम अकरम का निकालते हैं, अकरम ने 9000 लगाया था लेकिन 6 महीने बाद उसने 1000 रुपया निकाल लिया था। अकरम, इसको बेटा कहा जाता है इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट, उसका मतलब है कि कितनी देर वो रही, अकरम इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अब 6 महीने बाद 1000 निकाला है, इसका मतलब पहले 6 महीने उतनी ही रहेगी जितनी उसने लिखी हुई है। इसमें इन्वेस्टमेंट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, पहले 6 महीने के लिए कितनी है 9000 थी ना, तो मल्टीप्लाई 6 तो ये हो जाएगी 54000। उसके बाद अगले उसने 1000 रुपया निकाल लिया अगले 6 महीने के लिए, तो अकरम इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगले 6 महीने के लिए, तो 9000 था, 1000 निकाला तो 8 रह गया ना, तो अगले 6 महीने के लिए फिर ये हो जाएगा 48000। अब इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए पहले 6 महीने और अगले 6 महीने के इकट्ठा कर लेंगे, तो अकरम टोटल इन्वेस्टमेंट, अकरम की टोटल इन्वेस्टमेंट तो 54000 पहले 6 महीने और 48000 अगले 6 महीने, तो दोनों को ऐड कर लें 000, तो ये 1,02,000 रुपया, ठीक है, समझ आ गई बेटा सारी सिचुएशन की। 9000 लगाया था लेकिन 6 महीने बाद 1000 निकाल लिया, इसका मतलब पहले 6 महीने के लिए इसको 6 से ज़रब करेंगे, फिर अगले 6 महीने जब करेंगे तो पहले इसमें से 1000 निकाल लेंगे। अब ये टोटल इन्वेस्टमेंट तो 1 साल की, लेकिन 6 महीने की है, तो दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये 1 साल की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये अभी उसका हिस्सा आया है, शेयर आया है इसने जो इन्वेस्ट किया है,
उसके बाद है जी असगर। असगर साहब ने क्या किया है, उसके 2 माह बाद, यानी इसने 6 माह बाद निकाले थे, इसका मतलब 8 महीने, 6 और 2 8 महीने बाद, एक दूसरा 8 महीने तक और होगी, और 8 और आगे 4, क्योंकि टोटल 12 महीने होते हैं साल में, तो इसलिए अगले 4 की लैदा हो जाएगी। तो असगर गेज नहीं आएगा, असगर इन्वेस्टमेंट फॉर फर्स्ट 8 मंथ्स, पहले 8 महीने के लिए उसने 11,000 दिया था ना, तो 8 महीने के लिए ये हो जाएगा 88,000। ठीक है, सही है ना? हाँ जी, 8 महीने, क्योंकि उससे 6 महीने बाद, उसने 6 मंथ पे निकाला था ना, इसने आफ्टर 2 मंथ, 6 में 2 महीने ऐड कर लो, यानी 8 8 में 8 तक वही थी, आगे फिर उसने 1,000 और डाला उसमें, तो अगले 4 महीने के लिए फिर उसका 12,000 हो जाएगा ना, क्योंकि पहले 11 था, 1,000 और डाले तो 12 बन जाएगा। असगर इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स, अगले 4 महीने, क्योंकि टोटल 12 महीने होते हैं ना महीने साल में, तो 4 महीने के लिए, अब पहले 11,000 था, 1,000 और लगाया तो 12,000 हो गए टोटल, तो ये 48,000 लें जी, ये पूरे साल की हो जाएगी, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। असगर टोटल इन्वेस्टमेंट, तो पहली है 88,000 और ये है 48,000, दोनों को जमा कर लें, एक लाख 36,000 रुपया आ गया। लो जी, अब हम आ गए पहले सवाल की तरह और दूसरे सवाल की तरह, ये 2 वैल्यूज आ गई असल, अब इनका हमने रेशो लेना है, फिर सम ऑफ रेशो, और फिर सिंपली जो प्रॉफिट श्राफट है वो डिवाइड कर देंगे। तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं, अकरम रेशियो असगर, अकरम का है 102 और ये 1,36,000, 3 जीरो कैंसिल करें आपस में, इसका 102 आ गया, इसका 136 आ गया, सेम टेबल से काटते हैं, 2 5 10, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, तो ये आ गया जी 51 और ये आ गया 68। अभी सम ऑफ रेशियो ले लेते हैं, सम ऑफ रेशियो, तो 51 प्लस 68 जमा करेंगे तो 119 आ गया। अब जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया वो भी लिख लें यहाँ पर, प्रॉफिट कमाया जी माशाल्लाह 14,000, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है, ख़त्म ही नहीं होगा अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, इतनी टेंशन डाल के बाद में प्रॉफिट देखें ज़रा, इतने जालिम लोग हैं यार। चलें कर लेते हैं, अब पहले अकरम है तो अकरम का निकाल लेते हैं, अकरम अकरम साहब बिना माशा हुआ, अकरम शेयर इन प्रॉफिट, अकरम का शेयर प्रॉफिट में, अब गौर से सुनिएगा, अकरम के लिए 51 है बटा सम 119 है, मल्टीप्लाई प्रॉफिट इतना ज़्यादा जो है ना 14,000 वो लिखेंगे यहाँ पर, इधर उसका शेयर बटा सम ऑफ रेशो बटा ज़रब जो प्रॉफिट है, मिनी कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास, तो इसको आप करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 6,000 रुपया। लो जी, अकरम साहब ने 6,000 लग गया है, पाजो अकरम साहब, अगो असगर साहब ने, असगर शेयर इन प्रॉफिट, तो असगर के लिए जो रेशियो है वो 68 है, सम ऑफ रेशियो 119 है, ज़रबे टोटल 14,000 रुपया है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 19 से डिवाइड कर देंगे 119 से, तो ये 8,000 आ गया। लो बच्चों, इस सवाल को गौर से देख लो, सम
सवाल में मैं कहा गया कि अक्रम और असगर हैं, उन्होंने पैसे लगाए हैं किस रेशो से, यानी कि पहले ने 9,000 लगाया और दूसरे ने 11,000 लगाया है। लेकिन साथ ही ये बताया गया कि जो अकरम था ना, उसने 6 महीने बाद 1,000 रुपया निकाल लिया। तो फिर इसका मतलब है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, पहली 6 माह के लिए, फिर अगले 6 माह के लिए। उसने लगाया 9,000 था, तो पहले 6 माह के लिए तो वो 6 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 54। अगले 6 माह चूँकि उसने 1,000 निकाल लिया, तो उसके 9,000 में से 8,000 रह जाएंगे, तो 6,000 से करेंगे तो 48,000। उनके दोनों को सम कर लिए, ये उसकी 1 साल की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। उसके बाद उसने बताया कि, यानी सवाल में बताया गया कि असगर ने जो है ना, उसके निकालने के 2 माह बाद, यानी उसने 6 माह बाद निकाले थे ना, 2 माह बाद, यानी 8 महीने, 8वें महीने उसने 1,000 और लगाया। इसका मतलब है पहले 8वें महीने तक उसकी 11,000 वैसे आ जाएगी 8 से मल्टीप्लाई करके, और आगे 1,000 उसने इजाफा किया तो 11 का 12 हो गया, ज़रब 4 किया यानी 4 मंथ के लिए 48,000। इस तरह इसका भी टोटल कर लिया आगे, तो फिर सिंपल लिया उसका रेशियो, लिया कटिंग शटिंग की, सम ऑफ रेशियो ले लिया, और फिर पहली बटा सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट है। ये कैलकुलेटर नहीं है तो वैसे ही दिमाग खपाएं। फिर लो जी, ये भी हो गया फिनिश। आगे चूलते हैं, आगे चलते हैं, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है। कहता है 3 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने 20,000, 16,000, 18,000 रुपया लगा लिया है। अब पहले ने 4 महीने, दूसरे ने 6 महीने और तीसरे ने 8 महीने, और फिर 12,000। वाह माशा वाह, इतने पैसे कमा लेने। ए इन्वेस्टमेंट फॉर, पहला ए है ना, तो ए के लिए 4 मंथ्स, पहले ने 4 महीने के लिए किया तो उसका था 20,000, ज़रबे 4 कर देंगे तो ये 80,000 हो जाएगा। दूसरे ने जो बी है वो 6 महीने के लिए है 16,000, बी इन्वेस्टमेंट फॉर 6 मंथ्स, ज़्यादा हो तो फिर ऐसे लगा लिया जाता है ना, तो 6 मल्टीप्लाई, उसने कितना कितना लगाया था 16,000, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 16,000 को मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 96,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी इन्वेस्टमेंट है, सी इन्वेस्टमेंट उसने 8 महीने के लिए किए फॉर 8 मंथ्स, 18,000 किया है, 8 मल्टीप्लाई 18,000, तो ये आ जाएगा 144,000। लो जी, ये उनकी वैल्यूज आ गई। अब सिंपल इनका रेशियो लेंगे, सम ऑफ रेशियो लेंगे और प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। तो ए बी सी, ए का है ए बी सी, कितने गई सी, की लाइन गई सी, सुना हुआ कि नहीं, किस किस को आता है। चलें ये आ गया ए बी सी, तीनों के 3 3 0 कैंसिल करें, ये 80 आ गया, ये 96 आ गया और ये 144 आ गया। ठीक है, अब 4 से कटिंग होती है, 4 2 ज़ार 8, 4 2 8, 4 4 ज़ार 16, 4 3 ज़ार 12, 4 6 ज़ार 34, 2 1 2, 2 1 2 2, 4 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 16। इससे आगे नहीं हो सकता। अब सम ऑफ रेशो ले लेते हैं, सम ऑफ रेशो 5 प्लस 6 प्लस 9, तो यह आ जाएगा 20। अब ए शेयर, ए कॉमर्स ए का हिस्सा, ए के लिए 5 है बटा सम ऑफ रेशो 20 है, और जो प्रॉफिट है सवाल में दिया गया है वह 12,000। 0 0 से काटें, 2 6 12 600 आएगा, तो 5 6 3, ये 3,000 आ जाएगा। उसके बाद 20 शेयर, बी का हिस्सा, इन प्रॉफिट आगे सारा कुछ लिखना है, लिख लें, बी के लिए 6 है बटा 20 मल्टीप्लाई 12,000, तो 6 मल्टीप्लाई कटिंग करेंगे तो इसका भी 600 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 3600। उसके बाद सीज शेयर, सी का हिस्सा, सी के लिए 9 है, ये देखें ना,
बटा सम ऑफ रेशियो, ये सब में वही लगाना है जो एक में लगाना है, और ये भी सेम वैल्यू 12,000, 9,000 ये 6,000 आएगा, 600, तो ये 5,400 आएगा। लो जी, ए ने 4 महीने के लिए किया उसको 4 से, बी ने 6 के लिए किया 6 से, सी ने 8 के लिए 8 से, तीनों की जो वैल्यूज़ हैं उनको कटिंग शिटिंग करनी है, सेम टेबल होना चाहिए कटिंग के लिए, उसका रेशियो लेना है, फिर पहले की वैल्यू बटा उसका सम मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट है। किंग पोंग पोंग।